वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड ईयर। लास्ट लेक्चर में हमने 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। इसके मैंने दो क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 के भी हमारे 3 पार्ट हो गए थे। आज हमने करना है 4 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट, एवेल्यूएट द लिमिट्स। इसमें देखें, आपके पास वैल्यू दी हुई है लिमिट थीटा टेंड्स टू पाई। थीटा की जगह आपने इसको लिख देना लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई, क्योंकि हमारा फंक्शन एक्स में है। साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, पाई माइनस एक्स को हम एक्स में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, कुछ सब्सिट्यूट करना है। इसमें आप पुट कर देंगी पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपकी क्या निकल आएगी, एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस टी। अब जैसे ही आपको लिमिट अगर साथ दी है, तो हमने लिमिट को भी चेंज करना है। एज लिमिट एज एक्स टेंड्स टू पाई, तो टी किसको टेंड करेगा। टी की लिमिट निकालने के लिए यही जो आपने पुट किया है, एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस टी। इसमें हमने x किसको टेंड करा था, पाई को। x की जगह आपने पाई पुट कर देना, तो पाई माइनस पाई आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो t की वैल्यू हमारे पास निकल आई ज़ीरो। तो लिमिट t टेंड्स टू ज़ीरो, सो हमारा फंक्शन बन गया लिमिट t टेंड्स टू ज़ीरो साइन t साइन इंटू पाई माइनस t ओवर t। x की जगह आपके पास क्या पुट हो गया, पाई माइनस t। अब आपने फंडामेंटल लॉ पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में भी, कि साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन बीटा के नीचे आपकी टी की वैल्यू आ गई लिमिट टी टेंड्स टू ज़ीरो, तो साइन 180। साइन 180 जो है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, साइन 180 होता है ज़ीरो, और कॉस 180 किसके इक्वल होता है, माइनस 1 के। यहाँ पे फंक्शन रह गया साइन टी ओवर टी। लिमिट टी टेंड्स टू ज़ीरो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन टी ओवर टी। सारा फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, और यही आपका आंसर है। ये हमने पीछे पढ़ी थी ना, अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अगर लिमिट थीटा टेंड्स टू ज़ीरो हो साइन थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट देखें। ये अब आपने फर्स्ट पार्ट सारा देख लिया, इसको अच्छी तरह हमने प्रैक्टिस इसकी कर लेनी है। अब इसी का सेकेंड पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, फिफ्थ पार्ट में है लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। अब देखिए, यहाँ पे साइन जो है ऊपर नीचे दोनों जगह है, साइन ए एक्स ओवर बी एक्स। तो हम इसकी लिमिट ऊपर भी, इसका ए एक्स लिमिट ऊपर नीचे इक्वल करेंगे, और नीचे वाले फंक्शन में भी। जैसे यहाँ पे है ना साइन ए एक्स, तो हमें नीचे भी क्या चाहिए, ए एक्स। जैसे आपका ये फार्मूला था कि लिमिट थीटा टेंड्स टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा जो है वो इक्वल 1 होता है, कि साइन का जो ऊपर वाला एंगल है वो ही नीचे भी होना चाहिए। तो हमने ए एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी। इस तरह इस लिमिट को नीचे भी लिखना है, और यहाँ पे भी साइन वी एक्स के साथ आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना। अब यहाँ पे देखें, एक्स एक्स से कैंसिल हो गया लिमिट, ये जो है एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। इसको चाहे एक दफ़ा और लिख लें, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन ए एक्स ओवर ए एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन बी एक्स ओवर बी एक्स। मल्टीप्लाई आपके पास क्या आ रहा था, ए बाय बी। तो ये सारा फंक्शन किसके इक्वल हो गया, 1 के। तो इस तरह हमारा ये आंसर आ गया ए बाय बी। या हमें ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन आपको ऊपर नीचे साइन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने ऊपर भी साइन का एंगल इक्वल कर लेना है ऊपर नीचे, और नीचे वाले फंक्शन में भी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखें, आपका जो नेक्स्ट पार्ट आ रहा है सिक्स्थ पार्ट में है लिमिट एक्स टेंड्स टू। सिक्स पार्ट में आपके पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एक्स ओवर टेन एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एक्स ओवर टेन एक्स। लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एक्स ओवर टेन एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ठीक है। अब इसमें देखिए, आपका हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि इसी का फर्स्ट स्टेप जो है वो इसके थर्ड स्टेप में चला जाएगा, और थर्ड स्टेप फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एक्स कॉस एक्स को हम ऊपर लिख देंगे, और साइन एक्स को हम इसके नीचे, एक्स को जो है वो हम इसके नीचे लेंगे, ठीक है। अब ऊपर नीचे आपने अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो कॉस एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स।
अब कॉस एक्स, कॉस ज़ीरो क्या होता है, कॉस ज़ीरो है वो अब मैंने आपको पहले बताया था, कॉस ज़ीरो इक्वल होता है वन के, और साइन ज़ीरो ज़ीरो के, और बाय फार्मूला लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा, या लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स ओवर एक्स भी इक्वल होता है वन के। तो आपका आंसर आ गया वन। अब इसी का देखें आगे सेवन पार्ट, सेवन पार्ट में है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो वन माइनस कॉस टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, वन माइनस कॉस टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो वन माइनस कॉस टू एक्स। अब कॉस टू एक्स को आप क्या लिख सकती हैं, कॉस टू अल्फ़ा के आपने फार्मूले पढ़े हुए ना उसमें सेकंड फर्स्ट ईयर की बुक में आपने पढ़ा था कि कॉस टू अल्फ़ा जो है वो इक्वल होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा के, या इक्वल होता है टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वन के, या इक्वल होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसमें जो सबसे सूटेबल फार्मूला है वो हमारा है वन माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस टू अल्फ़ा की जगह हम पुट कर देंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब आपने इसके जो है साइन चेंज कर दें, वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, और इधर आपका क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, ये वन वन से कैंसिल हो गया, बाकी जो वैल्यू है वो आपके पास टू को हम लिमिट से बाहर लिख लेंगे बाय थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स, टू बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो अंदर आपका फंक्शन था साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका ऊपर नीचे जो है फंक्शन जो है एंगल जो है साइन का वो इक्वल है साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर, तो ऊपर नीचे इक्वल है तो इसके किसके इक्वल हो जाएगा वन के, वन का स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा टू। टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर एक्स का होल स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो है इसलिए ये इक्वल हो जाएगा वन के। आज आपने इसके कंप्लीट कर लिए हैं एट पार्ट, इसके टोटल हैं ट्वेल्व पार्ट, फोर पार्ट्स हम कल करेंगे।